बिजनेस की दुनिया में कभी नामचीन रहे अनिल अंबानी ने हर तरह के व्यवसाय में हाथ अजमाया। मनोरंजन जगत में एफएम रेडियो स्टेशन, डीटीएच, एनिमेशन स्टूडियो और कई मल्टीप्लेक्स सिनेमा से लेकर दूरसंचार, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ किया। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से अलग हो गए और रिलायंस का बंटवारा हो गया। ऐसा नहीं कि बंटवारे के बाद अनिल ने कामयाबी नहीं देखी। अनिल अंबानी को भारत के सबसे बड़े आईपीओ रिलायंस पावर का भी श्रेय दिया जाता है, जिसे 2002 में 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब किया गया था, जो आज तक भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में सबसे तेज है। ये तो बात हुई उनके इतिहास की, लेकिन कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स रहे अनिल आज अपनी कुछ कंपनियों पर भारी कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद अनिल अंबानी के लिए बुधवार को एक अच्छी खबर आई है। उनके रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेक ने बुधवार को कहा कि उसे मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 7000 करोड़ के वर्सोवा बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग 17.17 किलोमीटर लंबाई का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 5.6 किलोमीटर लंबे बांद्रा वर्ली सीलिंग से 3 गुना ज्यादा लंबा होगा वर्सोवा बांद्रा सीलिंग। बीएसई में दी गई एक फाइलिंग में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तारीख 24 जून 2019 से 60 महीने के अंदर प्रोजेक्ट की डिलीवरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने कहा वर्सोवा बांद्रा सीलिंग से मुंबई करो के लिए 60 मिनट का सफर घटकर 10 मिनट का रह जाएगा। पिछले हफ्ते की रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म एश्योर रेटिंग डाउनग्रेड करके डी एश्योर नॉट कोऑपरेटिंग कर दी थी। डाउनग्रेडिंग के एक हफ्ते के अंदर ही अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के ऑडिटर्स ने कहा, ऑडिटर्स ने उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर खासी चिंता जाहिर की थी। 31 मार्च 2019 में खत्म हो रही तिमाही के दौरान रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 3031 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पिछले साल इसी तिमाही के दौरान कंपनी को 133.66 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ था। 2018-19 में कंपनी को करीब 2427 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि 2017-18 में रिलायंस इंफ्रा को 1255 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी हुआ था। शायद लंबे समय के बाद इस प्रोजेक्ट के मिलने से अनिल अंबानी को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी।